एक बार मैं रिचेक कर लेता हूँ सारी बैटरीज को, क्योंकि मैं नहीं चाहता राइड के टाइम पे इतनी सी भी गलती हो। तो निम्बस को देख लिया, अभी निम्बस कुछ इस तरीके से लग रही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें मेरे को एक छोटा सा चेंजेस करना है, वो ये है कि जो ये वाला मेरा मोबाइल चार्जर है इसको मेरे को चेंज करना है, क्योंकि ये फास्ट चार्जिंग वाला चार्जर नहीं है और मेरे को ड्रोन की बैटरी बार बार चार्ज करनी पड़ती है तो दिक्कत आएगी, ये जल्दी चार्ज नहीं कर पाएगा। फिलहाल अभी जो मैंने अपनी लाल परी के अंदर मोबाइल चार्जर लगाया हुआ है दिस वन, तो मेरे को इसे निकाल के अपनी बाइक में शिफ्ट करना है सबसे पहले, और उसके बाद ये मेरी लाइटिंग से वायर कुछ इस तरीके से ओपन हो रखी है तो इसको भी मेरे को थोड़ा अच्छे से टेपिंग करना है, क्योंकि मैंने सुना है अभी उत्तराखंड के अंदर लगातार बारिश हो रही है, रोड बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस टाइम पर आपको छोटी सी क्लिप दिखा दी थी, सारे प्रिकॉशन लेके चलने हैं अपने आप को ताकि कोई दिक्कत ना आए। फिलहाल अभी हमने कोविड का टेस्ट करा दिया है, रिपोर्ट आ चुकी है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई आज कोविड का टेस्ट कराते टाइम। तो इधर अपना टेंट का सामान सारा फैला हुआ है, पैनियर्स मैंने ओपन कर रखे हैं, टैंक बैग हो गया, अपना हेलमेट हो गया, इधर कुछ अपना इलेक्ट्रॉनिक का आइटम है, देन यहाँ पे भी मैंने सारा फैलाया हुआ है और यहाँ भी सारी चीजें चार्जिंग पे लगी हुई हैं। इस बार का जो टास्क है ना वो काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि रोड काफी खराब है, मुझे सामान कम लेके जाना है बट अपना कैंपिंग का भी सामान पूरा होना चाहिए। सेकेंड चीज, कैमरे की एसेसरीज में कुछ कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यार आपको पता है अगर मैं वीडियो अच्छी बनाऊंगा नहीं तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, तो वीडियो में नो कॉम्प्रोमाइज़। एक बार को मैं खाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, कपड़े पहनने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, बट आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़ सारे गैजेट्स लेके जाऊँगा। तीसरी चीज़, कपड़े मैं भी निकालता हूँ, सोच रहा हूँ ज़्यादा कपड़े ना लेके जाऊँ, बेसिक कपड़े ले जाऊँ, अगर ज़्यादा ठंड हुई तो अंदर के वार्मर वाले जो लाइनर है वो मैं कैरी कर लेता हूँ, बाकी उसके बाद बड़ा वाला गैस चूल्हा नहीं लेके जाता, छोटा गैस चूल्हा लेके जाता हूँ। इस बार मैं कोशिश करूंगा कम से कम सामान में अपना एडवेंचर करने की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सैम भाई कोविड का टेस्ट कराने गए और वहां पर भी कोई शूट वगैरह नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे कि मैं अपना कैमरा वगैरह सब कुछ लेके गया था, सोचा तो यही था कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपना कोविड का टेस्ट शूट होते हुए मैं दिखाऊंगा अपने भाई लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, वहां पे काफी सारे बीमार लोग भी थे, जो डॉक्टर साहब हमारा सैंपल कलेक्ट कर रहे थे उनको देख के ना सच में एक बारी को मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। इतनी गर्मी थी वहाँ पे, इतनी गर्मी थी कि मेरे को खड़े खड़े पसीना आ रहा था, लेकिन जो डॉक्टर साहब सैंपल ले रहे थे उन्होंने पीपीई किट पहनी थी, प्रॉपर मास्क सब कुछ लगा के रखा हुआ था। मतलब ये सोच लो मैं नॉर्मल एक टी शर्ट में था, नीचे एक मैंने लोअर पहना हुआ था, मुझे पसीने छूट रहे थे और उन्होंने तो इतना सब कुछ पहना हुआ था, तो उनकी हालत क्या ख़राब हो रही होगी। मैंने उनसे पूछा भी था, सर आपको बहुत गर्मी लग रही होगी, तो मतलब यार उन्होंने बस इतना बोला हाँ लग रही है, उससे ज़्यादा उन्होंने एक्सप्रेस भी नहीं किया। सेकंड चीज़, आसपास काफ़ी लोग बीमार भी थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहाँ पे कैमरा निकालूं और ये सारी चीज़ें शूट करूं, तो मैंने बस 6 सेकंड की एक मोबाइल से क्लिप शूट कर ली थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख लो कि किस हिसाब से वो मेहनत कर रहे थे। सच में सल्यूट है कि ऐसे टाइम पे वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो इधर रखा है अपना बारबेक्यू, बारबेक्यू की जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है कि बारबेक्यू की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम जा रहे हैं पहाड़ों में, जंगलों के अंदर, तो यार वहाँ पे नेचुरल वाला बारबेक्यू हो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये आर्टिफिशियल बारबेक्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग वहाँ पे नेचुरल बारबेक्यू बनाएंगे और इंजॉय भी करेंगे, आपको भी कराएंगे। कैमरे की एसेसरीज में जो मैं लेके जा रहा हूँ आपको बता देता हूँ, दोनों GoPro हो गए, अपना DSLR हो गया, ड्रोन हो गया, अपना MacBook हो गया, इनके लिए जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेयर्स बैटरी खरीदी हुई है वो भी लेके जा रहा हूँ, टाइम लैप्स रोटेटर हो गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं टाइम लैप्स लेता हूँ और जो स्क्रीन रोटेट होती है ना, होप कि आपको पसंद आती होगी, इससे टाइम लैप्स लेने में 1 घंटा तो लगता है बट वो 1 घंटा पूरा वसूलेबल होता है जब उसका आउटपुट सामने आता है। ये अपना ड्रोन वगैरह, ये सारा अपना इलेक्ट्रॉनिक का आइटम हो गया, जितना भी शूट वगैरह करने का है, पावर बैंक्स हो गए 3 और ये टॉर्च भी हो गई है, लाइट्स भी हो गई है, एक्स्ट्रा बैटरीज भी हो गई है, क्लिप माउंट्स भी हो गए एक्स्ट्रा। कपड़ों में मैं लेके जा रहा हूँ, ये 0 डिग्री का रेन लाइनर है, ये नॉर्मल रेन लाइनर है, केचुआ का ही है, ये भी केचुआ का है, अपनी 2 टी शर्ट हो गई, एक नॉर्मल 6 पॉकेट हो गया, एक जीन्स हो गई, ये अपना इनर वार्मर हो गया, एक ये पेयर हो गया, ड्राई फिट आउटफिट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, नीचे वाले सॉक्स हो गए, ये स्नो के लिए है, ओ सॉरी मैंने गलती से बता दिया, स्नो नाम नहीं लेना चाहिए था मेरे को,
कुछ सरप्राइज भी रखना है आप लोगों के लिए। बस कपड़ों में मैं यही लेके जाने वाला हूँ। इधर अपना किचन का सेटअप हो गया, अपने कुकिंग सेटअप हो गया, छोटा वाला गैस चूल्हे से काम चलाएंगे, कटलरी सेट हो गया, चॉपिंग बोर्ड हो गया, अपना ग्रिल हो गया एक ग्रिल करने के लिए। ये आपके स्पेशल वाले मसाले जो सुबह डिलीवर्ड हुए थे, इसमें भी स्पाइसेस हो गए। ये एग की ट्रे लेके जा रहा हूँ, जब केदारनाथ का ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। अरे मैं अभी क्यों बता रहा हूँ यार, ये आपको बाद में पता लगेगा। अपने गैस कैंस हो गए और ये अपने चाकू चम्मच वगैरह ब्रश वगैरह हो गया। गाइस हालत ख़राब हो गई है, ये सारा काम कर करके पैकिंग कर करके अभी मैंने जितना भी सामान पैक करा वो इस तरीके की पन्नी में पैक कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश या हुई या फिर बाइक कीचड़ में गिरी, कहीं भी कुछ भी हुआ ना, कुछ भी हो सकता है एडवेंचर वाले ट्रिप पे, तो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। तो इसलिए सब कुछ अच्छे से पैक करके रख रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस इतना ही सामान मैं लेके जाऊँगा इस बार, इतने ही कम कपड़ों में सर्वाइव करूँगा। किचन का सेटअप भी कम लेके जा रहा हूँ, बट अपना इक्विपमेंट पूरा जा रहा है, कहीं भी कोई भी छोटी सी चीज़ छूट ना जाए, तो इक्विपमेंट में कोई कमी नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए। बाकी जगह मैंने कमी कर लिया, कपड़ों में वाकई ठंड लगेगी यार। मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आप लोगों को सारे प्लान, ये आपको वीडियोस में पता लगता रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या करने जा रहा हूँ। इसके अंदर 2 TB की हार्ड डिस्क है, वन टीबी की दो हार्ड डिस्क है, ये मैं कैरी कर रहा हूँ डेटा को कवर करने के लिए। जितना भी डेटा मैं बनाऊंगा वो इन हार्ड डिस्क के अंदर मैं कॉपी करके रखता रहूंगा। दो हार्ड डिस्क मैंने इसलिए लिए, 1 TB की, पिछली बार मेरी हार्ड डिस्क करप्ट होगी तो सारा डेटा खराब हो गया, बट 1 TB की लिए अगर खराब होगी तो एक ही होगी, लेकिन अपनी एक हार्ड डिस्क का डेटा सेव रहेगा। बट कोशिश मेरी पूरी है कि मैं व्लॉग टाइम से डालूंगा, मैं कोई भी व्लॉग पेंडिंग नहीं करूंगा यहाँ से वहाँ जाने के बाद। अगर मैंने कैंपिंग करी तो मुश्किल ही व्लॉग एडिट करके मैं डाल पाऊंगा, लेकिन अगर मैं होटल लेता तो डेफिनेटली मैं अगले दिन व्लॉग जरूर डालूंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि चारधाम वाले रास्ते पे, चारधाम वाले हाईवे पे कैंपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, टोटल वो फॉरेस्ट एरिया में आता है और एज पर गवर्नमेंट रूल उस वाले रूट पे कैंपिंग करना इलीगल है। तो ये वाला रिस्क नहीं लूंगा, अगर बाय चांस मेरे को कोई परमिशन देता है देन मैं करूंगा, वरना मैं रूल बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा जो भी गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। तो ये रही अपनी मेडिकल किट कैरी कर रहा हूँ, अपना सेल्फी का जो मोबाइल से मैं शूट करूंगा उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा ये हो गया, देन अपने गॉगल्स हो गए, दैट्स इट, चेस्ट माउंट हो गई, हेड माउंट हो गई, ये सारी चीज़ें कैरी करूंगा। तो इस बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं है एयर पंप की, क्योंकि एयर बेड लेके जाने नहीं वाले, अपने LED बल्ब चाहिए क्योंकि कैंपिंग में ज़रूरत पड़ेगी। और अपने एक क्लच वायर हो गई, एक एस्केलेटर वायर हो गई, ये लेके जाएंगे। बाकी अपनी टूल किट हो गई, सेफ्टी के लिए मैंने अभी ये ऑर्डर किया था, ये मेरा ख़त्म हो गया था लास्ट टाइम। ये पेपर स्प्रे है, समझ जाओगे आप, काफ़ी काम आता है। सामान मैंने ऐसे फैलाया हुआ है ना, और इधर भी ऐसे फैलाया हुआ है, मम्मी अभी अगर बाहर आ गई ना तो अपनी लगने वाली है थोड़ी देर में। तो इससे पहले मम्मी किचन से बाहर आए, ये सारा समेट भी लेते हैं हाथ के हाथ। एक चीज़ तो मैं भूल गया कि कोविड की जो रिपोर्ट आई थी वो कौन सी वाली आई थी। बाय द वे अभी आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर, अपनी नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अपने को अब कोई टेंशन नहीं है, कोई भी बॉर्डर कोई भी सरहद हमें नहीं रोक सकती बाहर जाने के लिए। अभी मेरे को ई पास भी अप्लाई कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँ कि सिर्फ देहरादून की वेबसाइट पे अप्लाई करूँ, बाकी केदारनाथ के लिए मैं जब उत्तराखंड में एंटर कर जाऊँ उसके बाद मैं केदारनाथ पे करूँ। केदारनाथ का जो मेरा ई पास टाइम करूँगा मैं कुछ टाइम वहाँ पहुँचना पड़ेगा, बट अभी रोड की कंडीशन पता नहीं है कि मैं कितने टाइम में पहुँचूँगा। 48 आवर्स के अंदर मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है, तो निकलने का टाइम ये सस्पेंस रख रहा हूँ, थोड़ा निकलने का टाइम थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ। अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि व्लॉग अभी 2-3 दिन नहीं आ पाएगा, उसका रीज़न आप समझ जाओ। अगर मैं कैंपिंग करूँगा तो व्लॉग नहीं डाल पाऊँगा, आगे अगर होटल मिलेगा तो मैं करूँगा, बट अभी मेरी कवि राणा से बात हुई है, वहाँ पे कोई भी होटल नहीं दे रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से वहाँ तक कैसे सर्वाइव होगा, बट भोलेनाथ के भरोसे जा रहे हैं, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और अपने हितों को तो कोई टेंशन नहीं है यार, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ की कमी है अपने पास। जहाँ हमें जगह मिलेगी अपना तो आशियाना वहीं बस जाना है और फुल इंजॉय करना है। अब बस अपना पैकिंग करना रह गया है और एक वो मोबाइल चार्जर लगाना रह गया है। मैं अभी रात में ये सारा काम ख़त्म करके सोऊंगा ताकि सुबह ये सामान अपनी बाइक पे लोड कर सकूं। अभी मेरे को बाइक में एयर फिल करानी है, उसी के बाद ही मैं पैनियर अटैच करूंगा, देन उसके बाद ये सारा सामान लोड करके अब पता नहीं मैं किस टाइम निकलूंगा किस टाइम नहीं निकलूंगा। बाकी की जानकारी आपको इंस्टाग्राम पे मिलती रहेगी, फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो आज का व्लॉग बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करने में टाइम लगा है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस कि मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं बन पाया, पूरे दिन का जो दिनचर्या था वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, पर कोई बात नहीं, सबर रखो। तो इससे जो अगला व्लॉग आएगा आप समझ जाओ, आपको डेफिनेटली आपको एंटरटेनमेंट से भरा, एंटरटेनमेंट क्या
जो भी है यार, उससे फुल भरा हुआ आपको व्लॉग मिलेगा। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी मैं कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ कहाँ नहीं कर रहा हूँ। और जिन भाई लोगों को मिलना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं टाइम टू टाइम स्टोरी डालता रहूँगा। जो भी आसपास भाई होगा मुझे डीएम कर देना, हम उत्तराखंड में ज़रूर मिलेंगे। तो उत्तराखंड वाले भाई लोगों तैयार हो जाओ मिलने के लिए। जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होगे पता नहीं मैं घर पे होऊंगा या राइड कर रहूंगा, इसकी जानकारी तो आप समझ ही गए ना। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं गाइस, फिर मिलेंगे आपको एक अच्छे से मज़ेदार व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।